आज मैं आपके साथ डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज का चार्ट एनालाइज करने वाला हूं। ये जो कंपनी है ये ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स बनाती है, एरोनॉटिक के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, हाइड्रोलिक्स में एक्टिव है और कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स, सिक्योरिटी रिलेटेड एप्लीकेशंस भी ये बनाती है। तो इसका हम लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखते हैं और शॉर्ट टर्म चार्ट भी देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मंथली चार्ट के साथ। अब इसका अगर आप मंथली चार्ट देखो तो आपको एक चीज तुरंत जो नजर आने वाली है, अब लिस्टिंग से अब तक का चार्ट आपको दिख रहा है, यानी 2006 से लेके अब तक का चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब पास्ट में यानी पिछले 10 साल में आप स्टॉक की मूवमेंट देखो तो एक तो 2006 से लेके 2013-14 आपको समझ में आएगा कि मोर और लेस ये स्टॉक फ्लैट ट्रेड कर रहा था, 1200 के ऊपर चलता था, 1200 के नीचे आता था, 1200 का एक एवरेज मीडियन बना हुआ था। 2014 में स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली जो स्टॉक को 4200 तक ऊपर ले आई, फिर उसके बाद एक बड़ा सा करेक्शन भी हुआ, फिर से स्टॉक ऊपर चलने की कोशिश की लेकिन एक लोअर बॉटम यानी लोअर टॉप, अगर ये टॉप और ये टॉप कंपेयर करते हैं तो स्टॉक ने एक लोअर टॉप बनाया और जो स्टॉक गिरा पहला वाला जो बॉटम था ये वाला, इससे भी नीचे वाला बॉटम बना के एक लोअर बॉटम भी स्टॉक ने बनाया। तो 2013 से लेके 2020 अगर देखते हैं तो 2013 से भी नीचे के लेवल्स पे ये स्टॉक पहुंच गया था। अब 2020 के बाद इस स्टॉक में अच्छा खासा एक मूव बना, उसके बाद अगले दो साल का एक यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा और हाल ही में पिछले ही महीने इस स्टॉक ने ये लेवल ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है। तो इस तरीके का एक ओवरऑल इस प्राइस का मूवमेंट है। अब थोड़ा सा मैं चार्ट जूम करके इस पे टेक्निकल स्टडी प्लॉट कर देता हूं, यानी आपको ये चार्ट देखने में समझने में ज्यादा आसानी होगी। क्या करते हैं, तो पहली तो एक ट्रेंड लाइन सिलेक्ट कर देते हैं और जो ऑल टाइम हाई है उसको ज्वाइन करा देते हैं अगले वाले लेवल से। ये देखिए, ये थोड़ा सा लेवल मैं एडजस्ट कर देता हूं। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट कर दी। अब ये अगर आप देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जो लेवल है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। कब से? तो 2014-15 से। तो 2014-15 से ये स्टॉक जब भी ये एक रेजिस्टेंस बन गया, ये एक रेजिस्टेंस बन गया। अब यहां पे जब आया था तब यहां पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस करना था लेकिन स्टॉक ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चल गया। तो ये एक पॉजिटिव साइन है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। और ये क्या फॉर्मेशन है, तो एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे बनता है। नॉर्मली इस तरीके का फॉर्मेशन जब भी होता है तब वो स्टॉक वहां से मल्टीबैगर बन जाता है। तो इसलिए ये चार्ट आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसका जो डिटेल एनालिसिस है वो आपको प्रिसिजन असिस्ट में भी मिल जाएगा। अब ये लेवल तो ब्रेक हो गया, अब आगे जाते हुए क्या हो सकता है और ये आज डिस्कस करने में के पीछे, अब ये तो पिछले महीने हुआ, अब आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अब आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म चार्ट पे इस पे एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन बन रहा है। तो पहला तो ये मंथली एनालाइज करेंगे और फिर बाद में शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी जाएंगे। अब ये देखिए, अब ये अगर चार्ट आप देखो तो ये ब्रेकआउट हुआ। लेवल्स अगर आइडेंटिफाई करनी हो तो अगला जो रेजिस्टेंस बनेगा वो ये होगा, 3650 का एक लेवल है जहां पे इस स्टॉक में रेजिस्टेंस बनेगा और उसके ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है वो ऑल टाइम हाई से है। और वो कौन सा लेवल है, तो ये सीधा बनेगा 4233। इस तरीके का ये इसका लेवल बनता है। तो पहला रेजिस्टेंस जो है वो 3650 के लेवल्स पे और दूसरा जो है वो 4233, इस तरीके का लेवल इस स्टॉक में बनता है। अब शॉर्ट टर्म चार्ट पे आ जाते हैं और जो मैं आपको कह रहा था कि शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है, ये देखिए। अब ये डेली चार्ट मैंने इसको कर दिया, अब डेली चार्ट और इसको जूम कर देता हूं क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट है। तो ये देखिए, डेली चार्ट अगर आप देखो तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। अब ये रेड कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, ये कौन सी है, तो ये ट्रेंड लाइन है कि जो हमने मंथली चार्ट पे प्लॉट की थी और हमने देखा कि प्राइस ने उस लेवल को ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला था। अब ये अगर जब आप चार्ट देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये लेवल तो ब्रेक कर दिया उसने, रेजिस्टेंस तो ब्रेक कर दिया यहां पे,
और ब्रेक करने के बाद क्या कर रहा था प्राइस, तो प्राइस ये लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था। तो ऐसा होता है कि जब भी प्राइस किसी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद प्राइस को यह कंफर्म करना होता है कि क्या ये ब्रेकआउट सही में वैलिड हुआ कि नहीं हुआ, और उसके लिए फिर प्राइस क्या कर देता है, तो प्राइस वहां पे कंसोलिडेट कर देता है। तो ये आपको कंसोलिडेशन समझ में आएगा। तो प्राइस ने रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट किया और करने के बाद फिर से यहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट बन चुका है, तो ये भी आप देख पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहां पे देख पाएंगे वो है वॉल्यूम्स। आज देखिए ब्रेकआउट भी हुआ, वॉल्यूम्स भी देखिए किस तरीके से बड़े वॉल्यूम्स है। सो इंक्रीज इन वॉल्यूम्स, इसका मतलब है कि सिर्फ आप और मैं ही नहीं इस ब्रेकआउट को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं, और इसलिए यहां पे हमें वॉल्यूम्स भी दिख रहे हैं। तो बेसिकली एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी भी बन रही है। और क्या अपॉर्चुनिटी है, तो एक अफ्लैग फॉर्मेशन है, प्राइस ऊपर चला, कंसोलिडेट हुआ और फिर से अब एक फ्रेश अपमूव के लिए स्टॉक रेडी हो रहा है, और इसलिए ये स्टॉक पे आपने ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप अगर मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के मेंबर हैं तो इसका डिटेल एनालिसिस मैंने ऑलरेडी प्रिसियन असिस्ट में पोस्ट कर दिया है। तो ये जो ऊपर में प्रिसियन असिस्ट है इसमें आपको मेरा डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। आप अगर मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के मेंबर ना हो तो नीचे मेरा नंबर दिया, इस नंबर पे आपका इंटरेस्ट मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मेरी टीम आपके कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे आगे लेके जाएंगे। तो इस स्टॉक पे ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म चार्ट पे बढ़िया लग रहा है, शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी बढ़िया लग रहा है। और ध्यान रखना है कुछ भी आप ट्रेड करो उससे पहले एनालिसिस करना है। क्यों? क्योंकि आप जब एनालिसिस करोगे तब आपके हाथ में स्टॉप लॉस आएगा, आपके हाथ में एक प्राइस टारगेट आएगा, आपके हाथ में एक टाइम टारगेट आएगा, एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आएगा। ये सारी चीजें जब आपके हाथ में होंगी तब आप एक अच्छा सा डिसीजन ले पाओगे। समझ में आ गया? अब ध्यान रखिए ये जो ब्रेकआउट है ये 3500 का ब्रेकआउट है, तो 3500 का रेजिस्टेंस ब्रेक करके अगर स्टॉक ऊपर चलता हो तो आपका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, तो 3500 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। तो अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस 3490 हो सकता है या फिर 3480 हो सकता है, इस तरीके के स्टॉप लॉस के साथ फिर आप स्टॉक में काम कर सकते हैं। यह है आज का स्टॉक आपके लिए, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे थम्स अप दीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया इसलिए आपका धन्यवाद। आपका मंदार जाम सांडेकर।